Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss 3-bit bidirectional shift register using D flip-flop. सबसे पहले, what is the meaning of shift register? Shift register से भी पहले register. Register is a group of flip-flop which is used to store binary bits or data. ठीक है? Now shift का means है कि जो data register में store होगा, that can be shifted in right direction, left direction, parallelly in or serially out. कोई भी method हो सकता है. ठीक है? तो this is called shifting. Data को शिफ्ट करना किसी भी डायरेक्शन में जो रजिस्टर में है, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर. ठीक है? नाउ इन दिस क्वेश्चन मेंशन है बाईडायरेक्शनल. बाईडायरेक्शनल का मींस है आपके पास एक ही शिफ्ट रजिस्टर है जो कि बोथ डायरेक्शन में, मींस कि लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट करेगा और राइट साइड में भी शिफ्ट करेगा, बट अलग अलग टाइमिंग पे. व्हेन यू सेलेक्ट फॉर राइट शिफ्टिंग तो वो राइट शिफ्ट करेगा, जब उसको आप सेलेक्ट करोगे फॉर लेफ्ट शिफ्टिंग तो वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा. ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, नाउ हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग दिस शिफ्ट रजिस्टर? तो जैसा कि इसमें मेंशन है 3-bit मेंशन है, दैट्स व्हाई 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस शिफ्ट रजिस्टर. ठीक है? अब यहां पर हमें क्या यूज करना है? डी फ्लिप फ्लॉप. तो इसमें हम लेंगे 3 डी फ्लिप फ्लॉप. अब डी फ्लिप फ्लॉप है, लेट दिस इज डी ए, डी बी एंड डी सी. ठीक है? इसकी आउटपुट क्या होगी? क्यू ए, यहां क्या होगा? क्यू बी, यहां क्या होगा? सी. अब शिफ्ट रजिस्टर है तो ये हमारा सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट है, मींस कि इनकी क्लॉक जो होगी वो सेम होगी, तो हम तीनों को ही क्लॉक, कॉमन क्लॉक अप्लाई करेंगे. ठीक है? नाउ अब यहां पर जो फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो यूज होंगे फॉर स्टोरिंग डेटा, और यहां हम गेट यूज करेंगे जो कि उनकी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, मींस ऑपरेशन डिसाइड करेंगे कि वो राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा. ठीक है? तो यहां पर हम यूज करेंगे 1, 2 और गेट, और गेट की आउटपुट इनपुट पर. सेम वे इनपुट्स हो गए. अब कब ये राइट शिफ्ट करेगा, कब लेफ्ट करेगा, तो उसके लिए हमें एक मोड सेलेक्टर चूज करना होगा. तो लेट दिस इज लेफ्ट स्लैश राइट बार. ठीक है? राइट बार. अब यहां पे लेफ्ट और राइट बार लिखा है, मींस कैसे करेगा काम? लेफ्ट शिफ्टिंग होगी इस डायरेक्ट वायर पर, और राइट शिफ्टिंग कब होगी? जब हम इसको नॉट गेट की वायर से कनेक्ट करेंगे. ठीक है? मींस लेफ्ट स्लैश राइट बार इज इक्वल टू 0, तो इट विल परफॉर्म राइट शिफ्ट. ठीक है? इफ दिस वैल्यू इज 1, तो दिस विल परफॉर्म लेफ्ट शिफ्ट. ठीक है? ये आपको कैसे याद रहेगा? लेफ्ट पर देखो बार नहीं है, मींस ये 1 पे काम करेगा, यहां बार है मींस ये 0 पर काम करेगा, ऐसे आपने याद रखना है. ठीक है? नाउ अब हम इन गेट्स को नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, यहां क्या होगा? 4, 5, 6. ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, हम राइट शिफ्ट करते हैं. राइट शिफ्ट का मींस क्या होता है, पहले हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा सपोज एक शिफ्ट रजिस्टर है. ठीक है? तो राइट शिफ्ट कैसे करेगा? आपने इनपुट यहां दी, यहां गई, यहां गई, यहां गई, और यहां से बाहर. मींस कि फॉर राइट शिफ्ट डेटा इनपुट कहां से होगी? यहां से डेटा इन फॉर राइट शिफ्ट. ठीक है? क्लियर है? अब राइट शिफ्ट यहां से होगा तो हमें यहां से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है? राइट शिफ्ट हो रहा है मींस इसकी आउटपुट इस इनपुट से कनेक्ट होनी चाहिए, यहां पे कनेक्ट किया और ये राइट का हो गया. डन है? नाउ इसकी आउटपुट इसके इनपुट पे जानी चाहिए. ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? शिफ्ट आउट. अब देखो कैसे काम करेगा. सपोज यहां पर हमने क्या लिखा था, राइट शिफ्ट के लिए वैल्यू क्या होगी? 0, मींस दिस इज 0. ठीक है? तो यहां पर क्या आएगा, इन्वर्टर की आउटपुट पे 1. ठीक है? और ये लेफ्ट शिफ्ट के हैं 4, 5, 6, तो ये किससे कनेक्ट होंगे? ये कनेक्ट होंगे डायरेक्ट वाली वायर से. ठीक है? नाउ अब देखो जब इसकी वैल्यू 0 है तो नॉट गेट पे क्या मिलेगा? 1. इधर क्या मिलेगा? 0. मींस 4, 5, 6 क्या होंगे? ऑफ हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. 1, 2, 3 ऑन होंगे क्योंकि इन पर 1 अप्लाई होगा. ठीक है? नाउ डेटा यहां से यहां जाएगी, इसकी यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी. क्यों? क्योंकि जो भी 1 पर अवेलेबल होगा वही हमें और के आउटपुट पे मिलेगा, वही हमें डी पर मिलेगा. ठीक है? डी ए पर मिलेगा. ठीक है? वही हमारा डेटा यहां स्टोर होगा. ठीक है? अब हमें जब लेफ्ट शिफ्ट करना होता है तो उस केस में कैसे होता है? लेफ्ट के लिए ये डायरेक्शन होती है, डेटा इनपुट कहां से होता है? यहां से. ठीक है? मींस इनपुट डेटा
फॉर लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। यहां से हमने डेटा को इन किया, अब यहां जब इन हुआ तो इसकी आउटपुट कैसे है, ये इसकी आउटपुट जो है इसके लिए एज इनपुट बन रही है, तो नाउ इसकी आउटपुट कहाँ है, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, तो ये इसके लिए एज इनपुट बनेगी, तो हम कैसे करेंगे कनेक्ट, ये आउटपुट 5 पर एज अ इनपुट कनेक्ट होगी, क्लियर हो गया। हमने यहां से इनपुट किया, इसकी जो आउटपुट आई वो इसके लिए एज अ इनपुट वर्क करेगी। नाउ सेम वे, अब इसकी आउटपुट इसके लिए एज अ इनपुट वर्क करेगी, मींस ये जो आउटपुट है इसको मैं ब्लैक से दिखाती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहां से कनेक्ट होगी, क्लियर है, ये वायर ये हो गया, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और यहां से जो आउटपुट मिलेगी वो हमारी इनपुट फ्रॉम लेफ्ट शिफ्ट, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ 3-bit बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। अगर हमने लेफ्ट स्लैश राइट बार पर 0 दिया तो ये राइट शिफ्ट करेगा, क्यों करेगा, इस केस में हमारा गेट 4, 5 एंड 6 ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3 ऑन होंगे, मीन्स कि राइट शिफ्टिंग होगा, 1 से और पर मिलेगी, जो भी इस 1 पर इनपुट अप्लाई हुई वो हमें डीए पे मिलेगी, इसकी आउटपुट 2 पे जाएगी और 2 से हमें डीबी पे मिलेगी, इसकी आउटपुट 3 पे जाएगी और हमें डीसी पे मिलेगी, ठीक है। और जब हमारी वैल्यू 1 होगी इस केस में हमारा क्या ऑन होगा, इस केस में 4, 5, 6 जो होंगे वो ऑन होंगे, 1, 2, 3 जो होंगे ये ऑफ होंगे, जब ऑफ होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 से कनेक्शन हमारा डिसकनेक्ट हो गया। तो हमने जब इनपुट 6 पर अप्लाई की, क्यूसी पे आउटपुट मिली, तो वो हमें कहाँ अप्लाई होगी, 5 पे, 5 के थ्रू वो डीबी पे अप्लाई होगी, फिर क्यूबी से वो कहाँ जाएगी, 4 पर, और 4 से इसे कहाँ मिलेगी, डीए पे, ठीक है। तो ये परफॉर्म करेगा ये लेफ्ट शिफ्ट, तो दिस इज द डायग्राम और वर्किंग ऑफ 3-bit बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। अगर आपको 4-bit का बनाना होगा तो आप एक फ्लिप फ्लॉप को और बढ़ा दोगे और 3 gates उसके और बढ़ जाएंगे, बट प्रोसेस सेम ही होगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का आपको शिफ्ट रजिस्टर चाहिए उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होते हैं। थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।